फ्रेंड, वेलकम टू रिबा मलिक व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हमारा प्लान बना है कि हम रोजा बाहर इफ्तार करें, तो सब रेडी हो गए। इस टाइम तकरीबन टाइम हो रहा है 5:35, यहाँ से तकरीबन वो आधे पौने घंटे के सफर पे है, तो हम इस वजह से थोड़ा जल्दी निकलेंगे ताकि टाइम से वहां पर पहुंचे। जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं उसका नाम है अरीना रंगोली रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट जो है वो बुफे रेस्टोरेंट है, तो वहां पर जाती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी कि मेन्यू में क्या क्या है। निकलते निकलते 6 बज गए और काफी लेट हो गए हैं। बस अब इफ्तारी से पहले पहुंचे, ये ना हो कि रोजा हमें रास्ते में खोलना पड़ जाए। और अब आस्ता आस्ता अंधेरा होने लगा है। हम लोगों ने पेट्रोल डलवाना था गाड़ी में, तो वहाँ ब्रेक लगाई और जल्दी से पेट्रोल डलवाया। और इनसे मिले ये हूँ मैं, हबीबा ब्लॉगर। मैं यहाँ पर अपना व्लॉग बना रही थी तो ये भी फोन में था कि व्लॉगिंग करना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर सफर दूर का था तो ये बेचारी भी थक गई थी कि अब कब पहुँचेंगे। हबीबा हेलो करो सबको। वेरी गुड, सो फाइनली वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, बस अब हम जल्दी से गाड़ी पार्क करते हैं क्योंकि 1-2 मिनट ही रह गए हैं रोज़ा खुलने में और फिर जाकर रोज़ा खुलते हैं। बस अब हम अंदर चलते हैं। तो मैं अंदर जा ही रही थी तो मैंने बोला चलो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ बाहर का, क्योंकि 1-2 मिनट रहते थे। तो ये देखें अरीना का व्यू, वाओ कितना अच्छा व्यू है। बस आप देखें बाहर से सारा, ये देखें अरीना का व्यू है। और यहाँ अजानें स्टार्ट हो गई हैं, बस अब अंदर चलते हैं। आमिर भी बार बार बुला रहा था, वो अंदर वेट कर रहा था, तो मैंने बोला नहीं बस 1-2 मिनट रुको, अभी टाइम है, मैं जल्दी से बाहर का व्यू दिखा दूँ। तो बस अब अंदर चलते हैं और जाके बैठते हैं और जल्दी से रोज़ा इफ्तार करते हैं। यहाँ पर एंट्री पास लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। बैठते हैं और रोज़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी ला कसमतु वा बिका मनतु वा अलैक तवक्कलतु वा रिज़्की का अफ्तरतु। चलें अब जाकर देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है। तो सबसे पहले मेन्यू में है हलीम, बीफ बिरयानी, मटन पाया, मटन कुन्ना, और अब आगे है मटन रोगन जोश, साथ ब्रेन मसाला है। और आगे मेन्यू में चिकन कढ़ाई भी है, मिक्स वेजिटेबल भी है और दाल फ्राई। और ये है वाइट पास्ता, चाउमिन, बटर राइस, मंगोलियन फिश, चिकन मंचूरियन विथ फ्राइड राइस। और ये हैं आलू के समोसे, साथ पकोड़े हैं और ये बटेर हैं। मुझे तो नहीं पसंद बटेर, लेकिन आमिर को पसंद है तो वो अपने लिए डाल रहे हैं। और यहाँ पर सब्जी रेडी हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे सैलेड हैं, मैं मिक्स वेज सैलेड अपने लिए डाल रही हूँ। क्या कर रही हो? और ये भी सैलेड हैं यहाँ पर, एप्पल, कैबेज, रशियन सैलेड, प्रॉन सैलेड, कॉर्न सैलेड, बीन सैलेड भी है, बीफ सैलेड भी है, इटालियन सैलेड, कोल्ड कट पोटैटो, बहुत सारे सैलेड हैं यहाँ पर। मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा तो मैंने बोला चलो मैं चाउमिन ही डाल लेती हूँ अपने लिए। और मुझे आमिर ने प्लेन फ्राइज डाल के दिए। बहुत सारे किस्म का रायता है यहाँ पर, तो मैंने 2 किस्म का रायता और साथ में ग्रीन चटनी डाल दी। आमिर ने भी अपनी प्लेट बना ली। अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने बोला चलो खाते हैं। और सब अपने लिए इफ्तारी डाल के लिया है और यहाँ पर बैठ के हम सब मिल के खा रहे हैं। हम क्या खा रहे हो? बटेर। बटेर, अच्छा सही सही बटेर। और यहाँ पर आमिर के साथ प्रैंक हो गया था। मैं अपनी प्लेट उठा के दूसरी तरफ चली गई थी और एक और लड़की थी, उसने भी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, यानी सेम ड्रेस लग रहे थे। तो आमिर मेरी जगह उससे बातें करने लग गया था, उसे समझा कि मैं खड़ी हूँ। और फिर मैंने आमिर को बोला चलो खैर है कोई बात नहीं, इस तरह की ट्रेजेडीज लाइफ में होती रहती हैं। और यहाँ पर मैंने आमिर से अपने लिए फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन जलवाया और आमिर ने अपने लिए प्राउंस डाले हुए थे। फिर मैं प्लेट लेके वापस अपनी टेबल पे गई और ये चिकन मंचूरियन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। क्या खा रही हूँ? आइसक्रीम खा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी डाली, साथ में हलीम और थोड़ा सा बिल्कुल इसका मसाला ऐड किया मैंने ऊपर। और आमिर ने मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मटन रोगन जोश डाल के दिया। और यहाँ पर हमने सीख कबाब और चिकन बोटी ली। और ये चाय है, मैं अपने लिए सैलेड डाल रही थी और मुझे पता ही नहीं चला सैलेड डालते डालते किस तरह फ़ोन जो है वो मेरे हाथ से छूट गया
और वो इस एलेक में जाके गिरा। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक उठाई और आके बैठ के खाना शुरू कर दिया। ये मेरी वाइफ है, देखिए ये मेरी दिल की करीब, देखिए ऐसी मेरी बैग पर्स है, तो बड़ा मैंने दिल के साथ लगा दिया था। हाँ। क्योंकि इसको हाथ में। फिर मैं और आमिर आए और अपने लिए वेनिला आइसक्रीम जलवाई। लेकिन भाई कह रहे खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं। खीर अच्छी है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए चना चाय, दही बड़े और रेशन सैलेड डाला। आमिर का चाय पीने का दिल कर रहा था, उसने अपने लिए चाय बनाई। और अब हम अरीना क्लब गेमिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमने अरीना क्लब पास लिए। और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं बॉलिंग गेम के लिए अपनी बारी का। यहाँ पर दोनों बच्चे जो हैं वो गेम खेल रहे हैं, तो इन दोनों में से मोहम्मद यान जो है वो फर्स्ट आया और उम्मे कल्सूम सेकंड आई है। इस तरह का खैरी हो जाएगी लेकिन कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा हमको सिखा रिया है और अवेस करने लगे, देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। आमिर जीत गए। चलो चलो अरिबा, यू कैन डू इट। वाह, अरिबा ने गोल मार दिया। ओह माय गॉड, वाओ। अब हमारी सारी गेम्स खत्म हो गए हैं, अब हम वापस घर जा रहे हैं। और ये बाहर से रात के टाइम का व्यू है अरीना का, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। रात का व्यू भी देख लें, दिन का व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया था। और अब हम भी जाते जाते रात हो गई है। चलो बस अब हम घर चलते हैं। आज अच्छा दिन गुजरा हमारा, है ना, काफी एंजॉयमेंट हो गई, काफी गेम्स भी खेली, बॉलिंग भी की, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, और क्या चाहिए। और यहाँ पर आमिर ड्राइविंग कर रहा है, उस टाइम मैं भाई के साथ आई थी गाड़ी में और जाते हुए आमिर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए हैं, अब ऊपर चलते हैं। सो फाइनली घर पहुँच गए हैं और इस टाइम हो रहा है तकरीबन 12:15। तो मैंने तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, उम्मीद है कि आपने मेरा व्लॉग देखा होगा और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।